Hello, this is Priyanka and welcome back to another property tour by Zerix.com. Today we are shooting a very nice and huge property by SS Group. This is a new project by them named as SS LinkedIn. Now, मैं आपको थोड़ा सा SS Group के बारे में पहले बता देती हूँ. They started their journey in 1994 and अब तक उन्होंने almost 19 projects deliver कर दिए हैं. That is also on time. उसके साथ ही साथ ये सेक्टर 84 एंड 85 में लोकेटेड है. उनका जो नया प्रोजेक्ट है कॉल्ड एज SS LinkedIn. यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर NH8 हो. दोनों ही यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे हैं, तो ये आपको एक 80 मीटर वाइड रोड सीधा इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करेगी. इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं, कोई टोल नहीं आएगा, तो क्लोवर लीफ जंक्शन से ही आपको मुड़ जाना है और वो आपको सीधा इस प्रोजेक्ट पर कनेक्ट कर देगी. दैट इज़ वन थिंग. इसके अलावा चाहे यहाँ पे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों या फिर कोई रिटेल शॉप्स हों, इवन ऑफिस प्लेसेस, सब कुछ ही यहाँ से काफ़ी पास में है. स्कूल्स जैसे कि DPS, RPS या फिर सेंट जेवियर्स जैसे जाने माने स्कूल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं. हॉस्पिटल्स जैसे RV या फिर हमारा मिराकल अपोलो भी सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर है. अगर हम रिटेल शॉप्स की बात करें तो वो भी काफ़ी पास में है. और इसके साथ ही साथ विद इन द प्रोजेक्ट एक कमर्शियल सेंटर भी है. सो अगर आपको डेली नीड्स की कोई भी ज़रूरत है या कोई भी सामान है तो वो आपको आराम से आपके कमर्शियल सेंटर में मिल सकता है. एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द क्लब हाउस. दिस इज़ वेरी वेरी मेस्मराइजिंग. हम आपको सैम्पल अपार्टमेंट भी दिखाएंगे यहाँ का, बट पहले हम आपको यहाँ का क्लब हाउस दिखा देते हैं, थोड़ी बहुत एमिनिटीज़ के बारे में बता देते हैं. वन मोर थिंग, जब आप प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो ये एक 24 मीटर वाइड रोड है, तो अराउंड द प्रोजेक्ट आपको 24 मीटर वाइड रोड मिलेगी. कमिंग बैक टू द क्लब हाउस, ये एक 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर बनाया गया क्लब हाउस है. यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो हमारा स्विमिंग पूल हो, मिनी थिएटर हो, सोना स्पा, सलून, यू नेम इट एंड दिस इट इज़ गोइंग टू बी देयर. इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड व्हाट नॉट, सो ऑल ऑफ दोज वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आर गोइंग टू बी हियर. सो बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है. अब मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देती हूँ क्लब हाउस एंड देन वी विल मूव ऑन एंड आई विल शो यू द सैम्पल अपार्टमेंट. एंड वन मोर थिंग, SS ग्रुप ने ही बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था. दे हैव ऑल्सो डन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, दे हैव डन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. इसके साथ ही साथ वो इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, सो नाउ यू नो कि किस लेवल की क्वालिटी उन्होंने इस प्रोजेक्ट में डिलीवर की होगी. राइट नाउ स्टैंडिंग आउटसाइड द सैम्पल अपार्टमेंट बाय SS LinkedIn एंड दिस इज अ 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर. द कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस अपार्टमेंट, ब्यूटिफुल अपार्टमेंट, इज 2721 square feet. I'm standing outside the elevator. This is going to be a fast elevator. There are going to be 4 floors plus stairs and there's a lot more information. So let me just tell you all about that. But let's first enter the apartment and explore it together. So सबसे पहले जब आप अंदर आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि there is not a living room. तो यहाँ पर सबसे पहले एक डाइनिंग एरिया है जो उन्होंने क्रिएट किया है एंड द लिविंग रूम इज एक्चुअली सेपरेट. तो एक अलग स्पेस दी गई है हमारे लिविंग रूम को. And this dining room is here because it is very close to the kitchen and also very close to all the rooms around here. So यहाँ पर आराम से आपके almost 6 to 7 guests या फिर आपकी family members यहाँ पर अपना food serve कर सकते हैं and have a great time, dinner, lunch, whatsoever. And this is a very huge space. आप देख सकते हैं कि there's a lot of moving around area. इसके even though यहाँ पर एक 6 or 7 सीटर डाइनिंग एरिया है, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी मूविंग स्पेस है. इवन दो यू विल सी कि यहाँ पे फर्नीचर्स हैं अराउंड, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी स्पेशियस है ये. नाउ वी हैव द पाउडर रूम हियर एंड वी ऑल्सो हैव 2 डिफरेंट बेडरूम ऑन बोथ द साइड्स. सो पहले मैं आपको लिविंग एरिया दिखा देती हूँ, देन वील मूव अहेड. दिस इज दिस ब्यूटिफुल लिविंग एरिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 सोफा सेट्स हैं, प्लस वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट चेयर. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि आपके गेस्ट और इवन योर फैमिली हाउ मेनी मेम्बर्स कैन फिट हियर. वन थिंग विच इज़ वेरी नाइस एंड आई लव अबाउट अपार्टमेंट्स इज दैट यहाँ पर जो बालकनी है वो दोनों साइड पर है, तो काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन है और नेचुरल लाइटिंग बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे हैव यूज UPVC
विंडोज एंड यू नो बिग फ्रेंच ग्लास. सो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग आएगी और बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए स्कोप है दोनों एरियाज में, दोनों साइड पर. एंड दिस इज अ रनिंग बालकनी एंड दिस बालकनी इज कनेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द अपार्टमेंट. समझेंगे काफ़ी ह्यूज बालकनी है. इतना बड़ा साइज यूजली आपको अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता है एंड इट्स गोइंग टू बी अ रनिंग बालकनी. सो दिस इज अनदर रूम, वो मैं आपको अंदर से घूम के मैं आपको पूरा व्यू देती हूँ. वेल अलॉन्ग विद दैट एक्सेप्ट द मूवेबल फर्नीचर आपको यहाँ पे सब मिलेगा, बी इट द एसी फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स एंड उसके साथ ही साथ जितने भी आपकी वार्डरोब्स हैं वो भी आपको मिलेंगे. सो आई वुड से सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिलेगा. नाउ कमिंग बैक टू द किचन, नाउ किचन इज एज ऑफ नाउ नॉट कम्प्लीट बट किचन आपको फुल्ली मॉड्यूलर मिलेगी विथ चिमनी एंड हॉब एंड प्रॉपर सिंक एंड बोथ साइड स्लैब. सो वो सब तो आपको मिलेगा ही. इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी बालकनी है वो एक रनिंग बालकनी है और ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स ऑफ द हाउस से कनेक्ट करती है. सो किचन से भी आपको कनेक्शन है बालकनी का. तो आप जो ये स्मॉल स्पेस है थोड़ा सा ये आपको एज यूटिलिटी बालकनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके सो मैं आपको एक कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ जो कि आपको डाइनिंग एरिया और बाकी रूम से भी काफ़ी पास पड़ेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द वॉशरूम. सो यहाँ पर आपका वैनिटी है, यू हैव अ टॉयलेट सीट एंड अ सेपरेट शावर एरिया. दिस कनेक्ट्स यू फ्रॉम बोथ द डाइनिंग एरिया एज वेल एज द किड्स बेडरूम. सो सबसे पहले हम गेस्ट बेडरूम देख लेते हैं. लेट्स गो. सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम एंड ऑल्सो एज यू नो ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द गेस्ट बेडरूम. आप देखेंगे गेस्ट बेडरूम भी काफ़ी ह्यूज है एंड इवन गेस्ट रूम के साथ भी हमारा जो वॉशरूम है वो कनेक्टेड है. प्लस इन दिस यू विल गेट द एसी एंड यू विल ऑल्सो गेट द वार्डरोब स्पेस सेपरेट. सो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बालकनी से भी कनेक्टेड है, काफ़ी नेचुरल लाइटनिंग आ रही है. राइट नाउ इस अपार्टमेंट में कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है, दिस इज़ ऑल नेचुरल लाइटिंग. सो दिस लिटरली अपार्टमेंट गिव्स यू द बेस्ट आइडिया ऑफ हाउ लाइट वाइट इट इज़ गोइंग टू लुक व्हेन यू लिव हियर. सो इसके बाद ये हमारा कनेक्टिंग वॉशरूम आ जाता है. कनेक्टिंग वॉशरूम, ये वाला वॉशरूम थोड़ा ह्यूज है देन द वन जो कॉमन वॉशरूम था. एंड आप देखेंगे देयर इज अ bigger vanity and a separate shower area with a toilet seat. And this is the wardrobe जो आपको possession के साथ ही मिलेगा guest room में. Very huge space, दोनों साइड से open है, sliding doors हैं. तो काफ़ी अच्छी तरीके से rooms का design किया गया है. So now let's move on to the other side of the apartment and हम बाकी rooms भी check कर लेते हैं. We have checked the first bedroom and अब तीन और बाकी हैं, so let's explore. तो सबसे पहले मैं आपको kids bedroom दिखा देती हूँ. सो आप देखेंगे किड्स बेडरूम को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. इट इज़ नॉट एज बिग एज द गेस्ट बेडरूम बट इट इज़ बिग इनफ फॉर द किड्स. उनके लिए भी आपको वार्डरोब मिलेगी. प्लस किड्स बेडरूम ऑल्सो हैज अ कनेक्टिंग वॉशरूम. सो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इज़ कि यूजुअली किड्स बेडरूम के साथ जो वॉशरूम होता है वो होता ही नहीं है. दे हैव टू गो आउटसाइड एंड यूज़ अ कॉमन वॉशरूम. बट इवन दो दे स्टिल हैव द कॉमन वॉशरूम देर इज़ अ कनेक्टिविटी डायरेक्टली फ्रॉम द किड्स बेडरूम. सो एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है अबाउट दिस अपार्टमेंट, वो ये है कि यूजली अपार्टमेंट्स में एक मास्टर बेडरूम होता है, यहाँ पे दो मास्टर बेडरूम्स हैं. सो बोथ ऑफ दीज रूम्स आर वेरी ह्यूज एंड ऑफ द सिमिलर साइज. सो पहले हम ये वाला रूम देख लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द अदर रूम. दिस इज़ वन ऑफ द मास्टर बेडरूम. आप देखेंगे यहाँ से भी एक कनेक्टिंग बालकनी है. ये बालकनी भी रनिंग है एंड ये वाली भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही साइज़ की है, उतनी मीटर वाइड है जितनी हमारी पहली बालकनी थी. सो इसके साथ भी आपको वार्डरोब मिलेगा एंड देन यू कैन सी बहुत एक फुल साइज बेड है. उसके बाद ही काफ़ी जगह है यहाँ पे टू मूव अराउंड एंड टू एक्सपेरिमेंट विद योर इंटीरियर्स एंड फर्नीचर जैसे भी आप लगाना चाहते हैं. यहाँ पे आप आराम से एक सिटिंग चेयर भी रख सकते हैं. सो इतनी स्पेस इस रूम में बहुत अच्छे से है. नाउ वील मूव टू द वॉशरूम. सो ये वॉशरूम बाकी जितने भी वॉशरूम्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ा है. वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वैनिटी, अ टॉयलेट सीट एंड अ सेपरेट शावर एरिया. कॉन्सेप्ट सेम है बट द साइज ऑफ एवरी वॉशरूम इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द साइज ऑफ द रूम इज. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट. एक और चीज़ है, आपको दोनों मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी. तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सेपरेट हो जाता है जो फ्लोर से. सो एक काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है. यहाँ पर भी एक फुल साइज बेड है एंड काफ़ी प्यारी स्पेस है टू मूव अराउंड टू यू नो एक्सपेरिमेंट विद दिस एरिया. बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे इंटीरियर्स आप लगा सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स चेयर्स व्हाट्स एवर यू लाइक. एंड देर इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिंग बालकनी एंड आप देखेंगे कि पूरा फ्रेंच साइज डोर है. सो काफ़ी अच्छे से नेचुरल लाइटिंग अंदर आ रही है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ वेंटिलेशन. बोथ साइड वेंटिलेशन है तो वो आपको जो एयर की यू नो हैविंग
ब्लॉकेज ऑफ द एयर, वो वाली दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी. एंड देन दिस इज द वॉशरूम. दिस वॉशरूम इज इवन बिगर देन द अदर वन. एंड दिस हैज अ वार्डरोब इनसाइड द वॉशरूम. तो काइंड ऑफ एक आपको वॉक इन वार्डरोब की फील है प्रॉपर. आप देखेंगे कि इधर भी एक वार्डरोब है. एंड ऑन द अदर साइड एज वेल वी हैव अ बिगर बिगर वैनिटी. तो दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम इन द होल अपार्टमेंट. And there's the toilet seat. And then we have a very separate shower area, जो कि आपके usually glass से divide हो रहा होता है, but यहाँ पे they have divided it by the wall completely. So काफ़ी अच्छा और unique concept है. So अब मैं आपको यहाँ की connecting balcony भी दिखा देती हूँ. तो आप देखेंगे ये भी एक running balcony है, आपको सारे parts से connect करती है. And from the first bedroom and from the second bedroom. So आप देखेंगे size काफ़ी huge है. अगर आपके kids हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा space है to you know move around and play with your kids. Along with that यहाँ पर एक separate area भी है for washing and for utility stuff. So अगर आप अपनी washing machine भी यहाँ रखते हैं तो proper you know facility दी गई है for drainage of water. All right, so ये था हमारा beautiful tour of the SS Linden project. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने पहले भी बताया है, दिस इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 84-85 इन न्यू गुरुग्राम. एंड पूरे न्यू गुरुग्राम में ये एक यू नो इसका जो साइज़ है अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन विद ऑल द अदर प्रोजेक्ट वो सबसे बड़ा है. दैट हैज़ ऑल्सो फोर बेडरूम्स अलॉन्ग विद द सर्वेंट क्वार्टर. दैट इज़ वन वेरी वेरी नाइस थिंग. इट ऑल्सो कम्स विद टू स्टिल्ट पार्किंग जो आपको नीचे मिल जाएगी हर अपार्टमेंट के साथ. तो एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको टेरेस का एक्सेस मिलेगा. फर्स्ट फ्लोर को वो एक्सेस नहीं है, बट वी डू हैव द स्टिल्ट पार्किंग फॉर ऑल द फ्लोर्स. सो दैट इज़ इट अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप यू लाइक इट. इफ देर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.